हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पे, इंडिया के नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ धमाकेदार ताबड़तोड़ सेशन लेकर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री की एक बहुत शानदार ट्रिक, या बोल सकते हैं ज्योमेट्री का एक बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और क्योंकि कुछ लोगों का पेपर होगा CHSL का 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत शानदार रहेगी। एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर हर बार एग्जाम में देखा जाता है, चाहे किसी भी शिफ्ट में रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द मैक्सिमम स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्या बोला गया ये बता देता हूँ। उस सबसे बड़े वर्ग की आपको क्षेत्रफल बताना है क्या होगा, जो कि आपने पुट करा हुआ है या उसको रखा हुआ है किसके अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर जिसकी भुजाएं दी है 6, 8, 10। भाई 6, 8, 10 को देख के आपको कंफर्म ये चीज़ दिख गई है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये मैंने आपके लिए एक समकोण त्रिभुज बना दिया 6, 8, 10। ये 6 है, ये 8 है और ये 10 होगा। इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर आपको बनाना है और उस सबसे बड़े स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। तो भाई सबसे बड़े स्क्वायर का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की साइड भी तो निकालनी पड़ेगी ना। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर की साइड। अब बात आएगी सर स्क्वायर की साइड निकलेगी कैसे, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम, स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी समझ लो। जो आपका परपेंडिकुलर और जो आपका बेस है ना, इसको लेके चलना है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये आपके स्क्वायर की हमेशा साइड मिलेगी। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक त्रिभुज के अंदर सबसे बड़े स्क्वायर का एरिया बताओ, तो उसके लिए स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसमें 6 और 8 दिया हुआ है, तो 6 × 8 / 6 + 8 48/14 यानी कि 24/7 ये आपके स्क्वायर की साइड हो चुकी है। अब आपको एरिया चाहिए, भाई एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इनटू साइड, मतलब 24/7 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 576/49। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, एक सेकंड में आएगा, दिखते ही क्वेश्चन कर सकते हो। 6 और 8 को पकड़ा, 6 × 8 = 48, 48/6 = 14, 24/7 का स्क्वायर कर देंगे तो 576/49 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द मैक्सिमम स्क्वायर, सबसे बड़ा स्क्वायर जो कि पुट करा जाएगा 12, 16 और 20 सेंटीमीटर की तीन भुजाएं दी हुई हैं किसी त्रिभुज की, उसके अंदर क्या करा जाएगा, एरिया निकालना है, तो उसके लिए साइड निकालनी पड़ेगी स्क्वायर की। कैसे निकाला जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस ये हैं, तो 12 × 16 / 12 + 16, तो ये हो जाएगा 12 × 16 / 28, 4 × 4 = 7, ये हो गया 48/7, तो ये आपकी साइड आ चुकी है 48/7। आपको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या हो जाता है साइड स्क्वायर, यानी कि 48/7 का स्क्वायर, यही होगा ना भाई, 48/7 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 2304 और अपॉन में आ जाएगा 49, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। बताओ भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन, मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे या फिर वैल्यू निकालोगे सिमिलर ट्राइंगल यूज करके, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट स्क्वायर की साइड मिल जाएगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो 12 × 16 / 12 + 16 आपका आंसर आएगा 48/7, ये स्क्वायर की साइड है। आपको एरिया चाहिए तो एरिया हो जाएगा 48/7 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड एरिया होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, सभी को क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिएगा, मतलब कि सेशन को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लगी और अगली ट्रिक आपको किस पे चाहिए। मोर देन 80 ट्रिक्स अभी तक मैं शूट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। आप जाओगे तो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन करोगे, जैसे ही वहां पे लिखा होगा मैथ शॉर्ट ट्रिक सीरीज बाय प्रबल सर, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मोर देन 80 ट्रिक्स अभी तक मैं शूट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, सुबह 9:15 CHSL और NTPC की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उस प्रैक्टिस सीरीज को आपको ज्वाइन करना है। कैसे, मेरे को वहां पर सर्च करना है प्रबल लवानिया नाम से और मेरे को फॉलो कर लेना है, जिससे आपको मेरी क्लासेस सारी मिल जाए और नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ठीक है, CHSL और CGL का एक रैंकिंग बैच चल रहा है जो कि 1:30 बजे जिसमें एलजेब्रा चल रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। कल मिलेंगे फिर से, मतलब कि आज गांधी जयंती वाले दिन भी हम लोग मिलने वाले, याद रखिएगा 1:30 बजे। ठीक है, ये मेरा शेड्यूल है पूरा। और इसी हफ्ते एक नया बैच आ रहा है जो कि आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस को लेकर आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहले एडवांस स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। वो बैच जो रहेगा अपना, जो हमारा जो बैच रहेगा पूरा, वो बैच कैसा रहेगा पहली चीज़ मैं बता देता हूँ। जो ये बैच रहेगा हमारा, इस बैच में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और एलजेब्रा, ये तीनों पढ़ाया जाएगा आपको एडवांस के चैप्टर्स। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।